के बारे में जान लेते हैं तो जो राइटर है हमारी वो 1923 में पैदा हुई हैं ये साउथ अफ्रीकन राइटर हैं और साथ ही साथ पोलिटिकल एक्टिविस्ट भी हैं इनकी जो राइटिंग है वो डील करती है मॉरल और रेशियल इश्यूज से जो कि साउथ अफ्रीका में उस वक्त चल रहे थे उस टाइम जो एपरथाइड मूवमेंट चल रही थी ये उनके बिल्कुल अगेंस्ट है और इन्होंने एंटी एपरथाइड मूवमेंट जो थी उसमें भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया है हम ये कह सकते हैं कि इनकी जो राइटिंग है वो डील करती है एंटी अपरथाइड मूवमेंट से और जो भी उस टाइम साउथ अफ्रीका में रेशियल और मॉरल इश्यूज चल रहे थे उनसे राइटर के इतना इंट्रोडक्शन काफ़ी है अब हम चलते हैं अपनी स्टोरी की तरफ वंस अपॉन अ टाइम जॉनरा में एक शॉर्ट स्टोरी है शॉर्ट स्टोरी एक ऐसी राइटिंग को कहते हैं जिसका राइटिंग स्टाइल प्रोज होता है और जिसकी लेंथ सिक्सटीन से ट्वेंटी वर्ड्स के राउंड अबाउट होती है इस स्टोरी में थर्ड पर्सन का यूज किया गया है और जो मेजर थीम है स्टोरी का वो है फ़ियर ऑफ आउटसाइड वर्ल्ड बात करें अगर तो है, है हमें यह बताना चाहता है कि जितनी भी तबाही और बर्बादी इंसानों पर आती है उसका जिम्मेदार इंसान खुद ही है यानी उसके खुद के कारनामे ही है जो उसको तबाही की तरफ लेके जाते हैं समरी को स्टार्ट करने से पहले हम करेक्टर्स को डिस्कस कर लेते हैं तो स्टोरी का फर्स्ट मेजर करेक्टर है हस्बैंड का और ये एक ऐसा पर्सन है जो कि फुल ऑफ लव है अपनी फैमिली की बहुत ज्यादा केयर करता है इसका एक सन है जिससे ये बहुत ज्यादा प्यार करता है और ये अपनी फैमिली को हर तरह के थ्रेट से बचाने के लिए बहुत ज्यादा जो प्रोटेक्टिव मयर्स हैं उन्हें फॉलो करता है यानी हम ये देख सकते हैं कि ये एक ऐसा पर्सन है जो चाहता है कि इसकी फैमिली पे किसी भी किस्म का कोई थ्रेट आए ही ना और ये हर मुमकिन कोशिश करता है कि अपनी फैमिली को अपनी जो इसकी फैमिली है उसे हर तरह के थ्रेट से बचाए सेकेंड करेक्टर है वाइफ का और ये एक मदर भी है जो कि अपने बेटे से काफी ज्यादा मोहब्बत करती है और अपने हस्बैंड की तरह ये भी अपनी फैमिली का बहुत ज्यादा ख्याल रखती है नेक्स्ट करेक्टर है ग्रैंड मदर का और राइटर ने कहा है कि ये एक ओल्ड वाइफ विच है क्योंकि इसके पास हर मसले का हल होता है ये अपने साथ हर तरह की प्रोटेक्टिव मैयर को रखती है और इसका एक ग्रैंडसन है जिसे ये बहुत ज्यादा मोहब्बत करती है और उसे एक स्टोरी भी सुनाती है फिर करेक्टर आता है मेड का और ये घर की नौकरानी है जो अपना काम बड़ी ईमानदारी से करती है और बहुत ज्यादा ध्यान से करती है सेकेंड लास्ट करेक्टर है सन का जो कि एक छोटा बच्चा है और ये फैंटेसी की दुनिया में रहता है ये जिनों परियों की कहानियाँ सुनता है और ये चाहता है कि ये बाहर की दुनिया को भी देखे और लास्ट पे करेक्टर आता है नेडनी गॉडमर का जो कि इस स्टोरी की ऑथर भी हैं और नरेटर भी हैं और जब हम इस स्टोरी को डिस्कस करेंगे तो हमें पता चलेगा कि बात ये एक करेक्टर भी बन जाती है स्टोरी का तो हमने मेजर करेक्टर को डिस्कस कर लिया अब हम चलते हैं अपनी समरी की तरफ अब जब स्टोरी का स्टार्ट होता है तो जो हमारी राइटर हैं वो ये बताती हैं कि उन्हें कहा गया कि वो चिल्ड्रन लिटरेचर पे काम करें लेकिन उन्होंने इस सजेशन को रिजेक्ट कर दिया उन्होंने कहा कि जो चिल्ड्रन लिटरेचर है वो ना तो ज़्यादा बिकने वाली चीज़ है और ना ही इसकी कोई डिमांड है तो उन्होंने इस आइडिया को रिजेक्ट कर दिया और इस पर फर्दर काम नहीं किया अब क्या होता है कि रात हो जाती है और जो हमारी राइटर है वो सोने के लिए चली जाती है लेकिन जब वो सो रही होती हैं तो उसे एक बहुत ही ज़ोरदार धमाके की आवाज़ आती है अब जब एक बहुत ज़ोरदार धमाका होता है तो उससे काफ़ी ज़्यादा शोर पैदा होता है और इस शोर से राइटर की आंख खुल जाती है बेसिकली जो हमारी राइटर है वो गोल्ड माइन्स के करीब रहती है यानी सोने की जो कानें हैं उनके करीब रहती है और जो गोल्ड माइन्स है वहां पर खुदाई का काम तो जारी रहता है हर टाइम तो वो कहती है कि डिगिंग प्रोसेस ही चल रहा होगा और उसी दौरान जो है ये धमाका किया गया है जिसकी आवाज़ से उसकी आंख खुल गई है अब उसकी आंख तो खुल जाती है लेकिन उसके बाद वो सो नहीं पाती और फिर वो इस बारे में सोचती है कि उसे चिल्ड्रन लिटरेचर पर काम करना चाहिए अब वो क्या करती है कि वो बच्चों का जो लिटरेचर होता है उस पर काम स्टार्ट करती है और वो एक स्टोरी लिखती है जिसका टाइटल होता है वंस अ टाइम यानी एक दफ़ा का जिक्र है और वो इसी सेंटेंस से उस स्टोरी का स्टार्ट करती है यानी हम ये देख रहे हैं कि एक स्टोरी है जिसमें राइटर ये बता रही है कि वो फर्दर एक स्टोरी लिखने लगी है जिसका नाम है वंस अ टाइम और उस स्टोरी में वो एक फैमिली है जिसके बारे में बयान करती है कि एक फैमिली है जो कि हस्बैंड वाइफ चाइल्ड और ग्रैंड मदर पर मुश्तमिल है ग्रैंड मदर को आप मदर इन लॉ भी कह सकते हैं क्योंकि जो वाइफ है उसकी तो वो मदर इन लॉ ही हुई ना ग्रैंड मदर तो चाइल्ड की हुई तो वो बताती है कि ये जो फैमिली है ये बहुत ज़्यादा खुशहाल ज़िंदगी गुजार रही है इनके पास ज़रूरत की हर चीज़ मौजूद है और इनमें बहुत ज़्यादा प्यार है सब लोग एक दूसरे की बहुत ज़्यादा केयर करते हैं एक दूसरे का बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं और एक दूसरे से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं अब राइटर जो ये स्टोरी लिख रही होती है ना इसमें वो थर्ड पर्सन नरेशन टेक्निक का यूज करती है वो ग्रैंड मदर के बारे में बताती है जो बेसिकली वाइफ की मदर इन लॉ भी होती है कि वो एक ओल्ड वाइस विच है और ऐसा वो इसलिए कहती है क्योंकि जो ग्रैंड मदर होती है उसके पास हर चीज का कोई ना कोई हल होता है यानी उसके पास नौकर चाकर हैं और वो हर तरह की जो मेडिकल ट्रीटमेंट होता है उसको अपने साथ रखती है लाइक उसके पास हर तरह की मेडिकल किट मौजूद है इसके बाद वो सन के बारे में बताती है जो कि बेसिकली एक छोटा बच्चा होता है और वो फैंटेसी की दुनिया में रहता है यानी उसने एक खुद की दुनिया क्रिएट की होती है जिसमें किसी तरह का कोई खतरा नहीं होता कोई थ्रेट नहीं होता हर तरफ बहुत ज्यादा चार्म होता है और खूबसूरती होती है अब यहाँ से हमें यह पता चलता है कि इस स्टोरी में बेसिकली दो तरह की दुनिया के बारे में बयान किया गया है एक वो दुनिया है जो कि उनके घर के अंदर है और वो फुल ऑफ लव है वहाँ बहुत ज्यादा सुकून है प्यार है लोग एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं एक दूसरे की कदर करते हैं एक दूसरे का ख्याल रखते हैं जबकि एक दुनिया ऐसी है जो कि उनके घर के बाहर है और वो दुनिया फुल ऑफ हॉरर है और उस दुनिया में पीपल ऑफ अनदर कलर आबाद हैं वहाँ पे क्राइम्स हैं वायलेंस है के है, है लोग आपस में लड़ाई झगड़े करते हैं स्ट्राइक्स होती हैं एक दूसरे का कत्ल किया जाता है एक दूसरे का इस्तेसाल किया जाता है लोगों का हक मारा जाता है यानी जो बाहर के लोग हैं वो फुल ऑफ थ्रेट्स हैं तो फैमिली चाहती है कि जितने भी लोग बाहर के हैं वो उनसे अपने हाउस को बचा ले अपने घर को बचा ले इसके लिए वो हर तरह की प्रोटेक्टिव मैर करते हैं सबसे पहले वो थ्रेटनिंग अलार्म जो होता है उसे लगाते हैं कि अगर कोई भी बाहर का बंदा हमारे घर में एंटर होने की कोशिश करेगा तो अलार्म बज जाएगा और हमें पता चल जाएगा उसके बाद उन्हें पता चलता है कि प्रोटेक्टिव शील्ड्स हैं अगर उसको लगा लिया जाए तो हाउस को फर्दर महफूज किया जा सकता है हाउस को फर्दर सिक्योर किया जा सकता है तो वो लोग प्रोटेक्टिव शील्ड्स का भी यूज़ कर लेते हैं लेकिन कुछ अरसे बाद उन्हें मेटालिक वायर्स के बारे में बताया जाता है कि ये एक ऐसी वायर्स हैं कि अगर इनको दीवारों पर लगा लिया जाए तो अगर कोई भी बंदा आपके घर आने की कोशिश करता है तो वो इन वायर्स में फंस जाएगा और वो आगे नहीं जा सकेगा बल्कि इन्हीं वायर्स में फंस के मर जाएगा तो वो जो फैमिली होती है वो अपने हाउस को बचाने के लिए उन वायर्स का भी यूज़ कर लेती है यानी हम ये देखते हैं कि वो फैमिली अपने घर को बाहर के ख़तरनाक लोगों से बचाने के लिए हर तरह की मुमकिन कोशिश करती है अब होता कुछ यूँ है कि जो ग्रैंड मदर होती है वो अपने ग्रैंड सन को एक फेरी टेल सुनाती है जिसमें वो एक स्लीपिंग ब्यूटी के बारे में बताती है कि किस तरह एक प्रिंस होता है जो कि बहुत ज़्यादा मुश्किल से गुजर के बहुत ज़्यादा रुकावटों बहुत ज़्यादा हर्डल से गुजरता है और वो एक शहजादी के पास जाता है और उसे बचाता है अब जब ग्रैंड ये सारी की सारी स्टोरी सुनता है तो वो इससे काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस होता है और बेसिकली ये बच्चों की नेचर भी होती है कि अगर वो किसी भी हीरोइक चीज़ को देखते हैं तो वो चाहते हैं कि वो भी वैसा ही एक्ट करें यानी आपने देखा होगा कि अगर कोई बच्चा है वो स्पाइडरमैन देखता है या सुपरमैन को देखता है तो वो ये चाहता है कि उसमें भी वही सारी क्वालिटीज हों जो कि स्पाइडर या सुपर में पाई जाती हैं यानी वो अपनी ज़ात में ही एक हीरो बनना चाहता है तो इसी तरह जो ग्रैंडसन होता है जब वो एक स्लीपिंग ब्यूटी की सारी की सारी स्टोरी को सुनता है कि किस तरह एक शहजादा था और उसने जाके उसे बचाया तो वो उससे काफ़ी ज्यादा इंप्रेस होता है और वो चाहता है कि वो अपने घर से बाहर निकले और जो बाहर की दुनिया है उसे देखे वो बहुत ज़्यादा क्यूरियस होता है बाहर की दुनिया को देखने के लिए अब एक दिन क्या होता है कि जो ग्रैंडसन होता है वो बाहर जाने की कोशिश करता है जिस तरह प्रिंस ने बहुत ज़्यादा रुकावटों को पार किया था बहुत ज़्यादा जो ऑबस्टिकल्स थे हर्डल्स थी उसको पार किया था वो उसी तरह जो मेटालिक वायर्स होती हैं उन्हें पार करने की कोशिश करता है लेकिन क्या होता है कि वो उन मेटालिक वायर्स में फंस जाता है और इसी वजह से उसकी डेथ हो जाती है अब जो घर की नौकरानी होती है जब वो ये सारे का सारा माजरा देखती है कि जो सन है वो मेटालिक वायर्स में फंस के मर गया है तो वो बहुत ज़्यादा स्क्रीमिंग शुरू कर देती है चीखना चिल्लाना शुरू कर देती है इतने में क्या होता है कि फादर आता है और वो देखता है कि जो उसका सन है वो मेटालिक वायर में फंस के मर चुका है उसको काफ़ी ज़्यादा अफसोस होता है कि उसने अपने बेटे को खो दिया और यहीं पे इस स्टोरी का एंड हो जाता है बेसिकली ये जो सारी की सारी स्टोरी है इसमें आयरनी का यूज़ किया गया है और बताया गया है कि जो इंसान है वो अपनी तबाही खुद ही लेके आता है यानी हम ये देख सकते हैं कि जो फैमिली थी वो अपने घर को सेफ करने के लिए अपने घर को महफूज करने के लिए हर तरह की प्रोटेक्टिव मेजर करती है वो अलार्म लगाती है प्रोटेक्टिव शील्ड का यूज करती है और एट दी एंड मेटालिक वायर्स को भी माउंट करती है लेकिन उसका नतीजा क्या होता है कि उनका जो अपना बेटा होता है वही उन मेटालिक वायर्स में फंस के मर जाता है हम ये कह सकते हैं कि जितना ज्यादा जो फैमिली थी वो खुद को महफूज करने की कोशिश कर रही थी उतना ही वो खुद को तबाही की तरफ भी लेके जा रही थी और इसका नतीजा क्या होता है कि जो उनका अपना बेटा होता है वही उस तबाही का शिकार हो जाता है और एट दी एंड मर जाता है और यहीं पे स्टोरी का एंड हो जाता है तो हमने इस स्टोरी को क्रिटिकली डील कर लिया है इसके करेक्टर्स इसके मेजर थीम्स पे बात कर ली है केस ऑफ एनी कन्फ्यूजन आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो इफ यू लाइक द वीडियो हिट द लाइक बटन सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड प्रेस द बेलाइकन थैंक यू सो मच